गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग क्यूटी। सुनो, ये कौन है और तुम इनको मैम मैम क्यों बोल रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता, ये मिस्टर जियोन की फियांसे हैं। क्या मिस्टर जियोन एंगेज्ड है? हाँ, और ये है उनकी ब्यूटीफुल फियांसे। तुम्हें कैसे नहीं पता ये बात? ओ हाँ, तुम्हें पता भी कैसी होगी, तुम तो कल ही ज्वाइन हुई हो। हाँ, तो इसका मतलब मिस्टर जियोन से फ्लर्ट करने के कोई चांस नहीं है। सोचना भी मत ऐसा, अपने काम से काम रखो, समझी? तुम्हें पता नहीं है मिस्टर जियोन कितने खतरनाक है। पर वो यार कितने हैं इस समय? हाँ, पर वो ऑलरेडी कमिटेड है तो हम कर भी क्या सकते हैं। गुड मॉर्निंग शुगा। गुड मॉर्निंग ताए, कैसी हो? ठीक हूँ। कुकी कहाँ है? जंगकुक मीटिंग में है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। लो आ गया जंगकुक। और ताए कॉलेज स्टूडेंट है। ताए बहुत काइंड और मासूम दिल की है। और ये है ताए के फियांसे मिस्टर जियोन जंगकुक, एज 25 ईयर। जंगकुक का एक ही ड्रीम है, अपने डैड और ताए के फादर का सपना पूरा करना, किम ग्रुप और जियोन ग्रुप को नंबर वन पोजीशन और हर बड़े देश में फेमस करना। जंगकुक बहुत बिजी पर्सन है, वो बस अपने ऑफिस के काम में ही ज्यादा बिजी रहता है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता और ना दिल की बातें किसी से शेयर करता है। और ये है मिनसुगा, जंगकुक के मैनेजर और जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड। वाओ कुकी, ये जगह कितनी अच्छी है। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। ताए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मेरी आज किसी के साथ मीटिंग थी, बट मुझे तुम्हारे साथ आज यहाँ आना था, तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं उनके साथ यहाँ मीटिंग करूँगा तो? मैं भी तो सोचूं, आज कुकी बिना कोई काम किए मेरे साथ ऐसे लंच कैसे कर सकता है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कुकी मुझे अपना सही से टाइम दे दे बिना ऑफिस का काम किए। पर कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। थोड़ा ही सही, पर कुकी मुझे टाइम तो देता है। क्या हुआ था है? तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम होगी कुकी, तुम मीटिंग कर सकते हो। हेलो जंगकुक, कैसे हो? सुजी तुम आ गई। इन्होंने हैंडशेक क्यों किया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कुकी को कोई लड़की टच करती है। जंगकुक, तुम अपनी छोटी बहन को भी यहाँ लेकर आए हो? मैं कुकी की बहन नहीं हूँ, मैं उसकी फियांसे हूँ। ओ बच्ची, ऐसे मजाक नहीं करते। सूजी, ताए मजाक नहीं कर रही है, वो मेरी फियांसे है। ओ सच में? जंगकुक तुम एंगेज्ड हो? हाँ, हम मीटिंग कर रहे हैं अब। यस ऑफ कोर्स। ये कुकी का हाथ बार बार टच क्यों कर रही है और कुकी उससे कुछ कह क्यों नहीं रहा है? थैंक यू जंगकुक, हम ये प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू करेंगे। ओ चलो, फाइनली इन दोनों की मीटिंग खत्म तो हुई। इफ यू डोंट माइंड जंगकुक, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया है, तो क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ? क्या सूजी हमारे साथ लंच कर सकती है? कुकी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर ये हमें ज्वाइन करेगी तो ये कैसी डेट हुई? तुम मेरी फीलिंग समझ नहीं सकते हो क्या? अगर ये हमें ज्वाइन करेगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये हमारी डेट पहले ही खराब कर चुकी है। ताए क्या सोच रही हो? लगता है जंगकुक ताए नहीं चाहती मैं तुम दोनों के साथ लंच करूं। कोई बात नहीं है, मैं चली जाती हूं। अरे नहीं सुजी, ऐसा नहीं है, तुम हमारे साथ लंच कर सकती हो। फिर वो तीनों लंच करते हैं। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, जल्दी ही मिलेंगे जंगकुक। हाँ अब तो जाओगी ही मैडम, हमारी डेट को बर्बाद करके। थोड़ा ही टाइम तो मिलता है मुझे जंगकुक के साथ, वो भी आज उसने वेस्ट कर दिया। बाय ताए, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो सुजी। जंगकुक तुम्हारी फियांसे बहुत क्यूट है। सुजी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ताए तुम भी घर जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही ड्रॉप कर देता। कोई बात नहीं है कुकी, मैं चली जाऊंगी। ओके। मुझे सही से बाय बोलकर भी नहीं गया, ये ऐसा क्यों है? फिर ताए भी घर चली जाती है। ताए बेबी, कैसी रही तुम्हारी डेट? ये ताए की मदर है किम जिशो, ताए के फादर नहीं है, ताए के फादर की डेथ हो चुकी है। कौन सी डेट मम्मा? ताए क्या बोल रही हो, तुम जंगकुक के साथ डेट पर तो गई थी ना?
हाँ मम्मा गई तो थी पर वो डेट नहीं थी। ताय क्या हुआ है मुझे सही से बताओ ना, जंगकुक ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं मम्मा वो क्या कहेगा, वो तो कभी मुझसे कुछ कहता ही नहीं है। बेटा तुम जंगकुक से नाराज हो? नहीं मम्मा मैं क्यों नाराज होंगी। आई नो बेटा जंगकुक तुम्हें टाइम नहीं देता है, वो बस अपने काम में ही बिजी रहता है। पर जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है ताय, वो बस तुम्हारे डैड और अपने डैड के सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। वो इतना बिजी रहता है वो खुद को भी भूल गया है, पर वो इतना बिजी रहने के बाद भी तुम्हारे लिए टाइम निकालता है। तो सोचो ताय वो तुमसे कितना प्यार करता होगा, तुम उससे नाराज मत हुआ करो। पर मम्मा वो मुझसे प्यार करता है तो वो मुझे दिखाता क्यों नहीं है, और वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता है। बेटा जंगकुक पे दो कंपनी की जिम्मेदारियां हैं, उस पे बहुत प्रेशर है, तुम खुद को उसकी जगह रखकर सोचो। हाँ मम्मा आप सही बोल रहे हो, पर मैं कुकी से नाराज नहीं हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ वो मुझे थोड़ा सा सही से टाइम दे, मुझसे बात करे। पर कोई बात नहीं है, मैं ऐसे भी बहुत खुश हूँ। अगर वो काम को लेकर इतना बिजी रहता है तो वो मेरे डैड और अपने डैड का सपना ही तो पूरा कर रहा है। हाँ बेटा मैं कुकी से बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, मैं कुकी के लिए कितना भी वेट कर सकती हूँ, मैं उससे कभी नाराज नहीं होंगी। ओ मेरा बच्चा। ओ जीनू क्या बना रही हो? ताय आ रही है तो मैं ताय के लिए उसका फेवरेट खाना बना रही हूँ। आरएम ओ ताय आ रही है? हाँ मैंने बुलाया है ताय को। ओ आज तो फिर हमें बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। नमजुम तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जब ताय नहीं होती है तो तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिलता है? ओ नहीं बेबी मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तो गाइस ये जंगकुक के पेरेंट्स हैं जियोन जिन एंड जियोन नमजुम। वाह मॉम खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा। ताय जिन हमेशा तुम्हारे लिए खाना बहुत अच्छा बनाती है, तुम्हारी वजह से हमें भी खाने को मिल जाता है। तो डैड मॉम आपके लिए अच्छा खाना नहीं बनाती है क्या? नहीं ताय मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जब तुम आती हो तो जीनू खाना बनाती है, नहीं तो हमें। ओ आरएम ये क्या बात लेकर बैठ गए। ताय इनको छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी कल डेट कैसी रही? ठीक थी मॉम। जंगकुक ने तुम्हें सही से टाइम दिया ना? हाँ मॉम। ताय मैं तो बहुत कहता हूँ जंगकुक से एक दिन की छुट्टी ले लो, पर वो नहीं लेता है। जब से उसने दोनों कंपनियों की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ली है तब से वो मुझे भी ऑफिस नहीं जाने देता है। कोई बात नहीं है डैड मैं समझती हूँ। ताय आज तुम घर मत जाना, यहीं रुक जाओ, रात काफी हो चुकी है। ओके मॉम जैसा आप कहो। वैसे मॉम कुकी कब तक आएगा? पता नहीं बेटा कब तक आएगा, जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया है वो कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। ओके मॉम मैं वेट कर लेती हूँ, क्या पता अभी आ जाए। ठीक है बेटा, पर जंगकुक कभी नहीं आया, उसे और लेट हुआ आने में, तो तुम वेट मत करना, तुम रूम में चली जाना। ओके मॉम। कोई बात नहीं है कुकी कितना भी लेट आए मैं उसका वेट करूंगी। कितना लेट हो गया ये अभी तक नहीं आया? ताय ऐसे ही वेट करते करते सो जाती है।
सो जाओ। कुकी मुझे तुमसे, ओ ये तो चला गया, मुझे इससे बात करनी थी। क्या करूं मैं, मुझे कुकी से बात करनी है, क्या मैं उसके रूम में जाऊं? कुकी? हाँ क्या हुआ? वो मुझे नहीं पता था मैं आज यहाँ रुकूंगी, तो मैं अपने साथ ना कपड़े नहीं लेकर आई। क्या तुम मुझे अपने कपड़े दे सकते हो? हाँ ओके, ले लो जो तुम्हारा दिल करे। कौन सा लो? कुकी? हाँ मुझे ये चाहिए जो तुमने पहना है। हाँ क्या? अरे मजाक कर रही हूँ कुकी। कौन सा लो? ठीक है ये वाला ले लेती हूँ। ओके ले लो। ठीक है तो मैं जाती हूँ अब। हाँ जाओ। मैं जाऊँ? हाँ जाओ। फिर टाय जंकू के रूम से चली जाती है। कुकी तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? पर मैं भी बिना बात करे मानूंगी नहीं। ताई जंकू के रूम में फिर से जाती है। कुकी? हाँ बोलो अब क्या हुआ? कुकी मेरा हेयर ड्रायर टूट गया, क्या मैं तुम्हारा हेयर ड्रायर यूज कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो, ये लो। कुकी तुमने डिनर कर लिया था? हाँ कर लिया था। पता, मॉम ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। अच्छा? हाँ ठीक है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ जाओ। गुड नाइट कुकी। गुड नाइट। फिर टाय जंकू के रूम से चली जाती है। सड़ू अकड़ू कहेगा, मैं कितनी भी बात करने की कोशिश कर लूं पर ये मुझसे बात कभी करता ही नहीं है। बस जो पूछ लो उसका जवाब मिल जाएगा, खुद से कुछ नहीं पूछेगा। गधा डफर कहेगा, ताए जाकर कोई फायदा नहीं है, सो जा, वो सड़ो तुझे भाव नहीं देने वाला। हाँ ये कैसी आवाज थी अभी? हाँ ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस रूम में कोई भूत तो नहीं आ गया? क्या कर रही हो तुम? हाँ? कुकी मेरे रूम में ना अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है। अच्छा चलो मैं जाके देखता हूँ। नहीं, क्या आज मैं तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ कुकी? ओके सो जाओ, मैं तुम्हारे रूम में जाकर सो जाता हूँ फिर। नहीं कुकी तुम मत जाओ, तुम भी यहीं सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। ताए मैं यहाँ नहीं सो सकता। क्यों, ये तो तुम्हारा ही रूम है ना? हाँ पर तुम यहाँ सो रही हो तो मैं यहाँ नहीं सो सकता। ओ कुकी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे डर लग रहा है बहुत, प्लीज यहीं रुक जाओ तुम भी। मैं मॉम डैड को परेशान नहीं करना चाहती इसलिए मैं उनके रूम में नहीं गई, मैं यहाँ आ गई। ठीक है तुम सो जाओ, वैसे भी मुझे ऑफिस का काम है तो मैं वो कर लेता हूँ, तुम सो जाओ आराम से, मैं यहीं हूँ। ओके तुम यहाँ से जाओगे तो? नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम सो जाओ। ठीक है थैंक यू। फिर ताय इतना कहकर सो जाती है और जंकू अपने ऑफिस का काम करता है। सुबह हो गई, कुकी कहाँ है? फिर ताय उठ जाती है। हम्म,
तैयार हो। जंगकुक, मैंने सुना है तुम सियोल वाले ऑफिस जाने वाले हो। हाँ डैड, मैं आपको अभी यही बताने वाला था। मैं आज शाम को ही जा रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट को लेकर मुझे कुछ दिन के लिए सियोल में रहना पड़ेगा। ठीक है, ताय को भी साथ ले जाना, वो भी थोड़ा सियोल घूम लेगी। नहीं डैड, पर कुकी तो वहाँ बिजनेस के लिए जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी। अरे ताय बेटा, जूनी सही कह रहे हैं, तुम जंगकुक के साथ जाओ, तुम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना। जंगकुक तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम तो निकाल ही लेगा ना। क्यों जंगकुक, मैं सही कह रही हूँ ना। ठीक है मॉम, जैसा आप दोनों चाहो। ताय, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम पैकिंग कर लेना, मैं शाम को ड्राइवर को भिजवा दूंगा, वो तुम्हें पिक कर लेगा। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर ही मिलूंगा। ओके कुकी। ठीक है मॉम डैड, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस से डायरेक्ट एयरपोर्ट चला जाऊंगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच डैड। और मेरा बच्चा, अच्छे से एंजॉय करना। हाँ डैड, ठीक है, फिर मैं घर जाती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। हाँ ओके जाओ। नमजून, आपने ये बहुत अच्छा करा। हाँ ताय साथ जाएगी तो वो थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर पाएंगे ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं और कुकी साथ जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ जिमिन, क्या कर रही हो ताय? ये जिमिन है ताय की बेस्ट फ्रेंड और शुगा की फियांसे। पैकिंग। तुम कहीं जा रही हो ताय? हाँ। कहाँ? गेस करो। अरे बताओ ना, कहाँ जा रही हो? ओ जिमिन, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं और कुकी साथ जा रहे हैं सियोल। क्या सच में? हाँ मैं कुकी के साथ जा रही हूँ। ताय सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जंगकुक ऑफिस का काम छोड़कर तुम्हें घुमाने के लिए लेके जा रहा है। नहीं, जा तो वो काम से ही रहा है। ओ हाँ, शुगा ने भी तो मुझे बताया था, वो कुछ दिन के लिए सियोल जा रहा है काम से। हाँ चलो कोई बात नहीं है, तुम दोनों साथ तो जा रहे हो। जंगकुक वैसे तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाता है, पर तुम दोनों साथ जाओगे तो थोड़ा बहुत टाइम तो स्पेंड करोगे। हाँ जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम भी हमारे साथ चलो ना, जब शुगा जा रहा है तो तुम भी चलो। नहीं, शुगा ने मुझसे मना कर दिया। ओह हाँ कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम साथ चलेंगे। ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं, तुम अपनी पैकिंग कर लो। ओके बाय। कुकी अभी तक आया क्यों नहीं है? ताय आ गई शुगा? हाँ वो रही। फिर जंगकुक ताय के पास जाता है। ओ तुम आ गए कुकी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। हाँ चलो। कुछ नहीं, चलो फिर तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में लंच करेंगे। ओके। मैंने तो सोचा था हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। इसको खाते टाइम भी चैन नहीं है। कुकी। हाँ क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, खाना बहुत अच्छा है। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। नहीं ताय, इम्पोर्टेंट काम है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। मैं खा चुकी हूँ। ओके, तो तुम रूम में चले जाओ, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं रूम में चली जाऊँ? हाँ मुझे काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं डिनर पर। ओके। ताय रूम में चली जाती है। फिर जंगकुक होटल के किसी स्टाफ को बुलाता है। जी सर बोलिए। मेरी फियांसे का ध्यान रखना। ओके सर, हम मैम का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जंगकुक ये कहकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही दो दिन गुजर जाते हैं, जंगकुक ताय को टाइम नहीं दे पाता, वो बस ऑफिस के काम में ही बिजी रहता है। जंगकुक ताय से बस रात को डिनर पे मिलता है, उसमें भी वो ताय से ज्यादा बात नहीं करता। हाँ कितना बोर हो रही हूँ मैं, इससे अच्छा तो मैं घर ही रहती, चलो कोई ड्रामा ही देख लेती हूँ। फिर ताय ड्रामा देखती है, तभी जंगकुक आ जाता है। क्या कर रही हो ताय? मैं बोर हो रही थी तो सोचा ड्रामा ही देख लूं, ड्रामा देख रही हूं। अच्छा रात को रेडी रहना, हम रात को बाहर चलेंगे।
सच में कुकी? हाँ, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं। ओ थैंक यू कुकी। ताई मुझे लेट हो रहा है। ओ सॉरी कुकी, तुम जाओ। हाँ रात को मिलते हैं। ओ फाइनली कुकी को रियलाइज तो हुआ कि मैं भी उसके साथ हूँ यहाँ। हम रात को घूमने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। कुकी तुम अगर ऐसा ही करना था मेरे साथ तो तुमने बोला ही क्यों था हम बाहर घूमने चलेंगे। मैं कितना एक्साइटेड हो गई थी। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम बहुत बुरे हो। मैं अकेली यहाँ कितना बोर हो रही हूँ पर तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है तुम नहीं जा रहे हो ना, मत जाओ, करो अपनी मीटिंग अटेंड, मैं खुद ही बाहर चली जाती हूँ। ताई ये कहने के बाद होटल से बाहर चली जाती है। शुगर स्टाफ से बोलकर ताई के रूम में डिनर भिजवा दो। ठीक है जंगकुक, मैं बोल देता हूँ। जंगकुक तुम थक गए हो ना? नहीं मैं ठीक हूँ। ताय ने खाना खा लिया था ना? हाँ खा लिया होगा, मैंने उसके रूम में खाना भिजवा दिया था। जंगकुक क्या कर रही हो? ताय तुमने खाना खा लिया? नहीं खाना लेने आई हूँ अभी तो मैं। क्या मतलब, स्टाफ रूम में खाना नहीं देकर गए क्या? मैंने तो खाना रूम में ही भिजवा दिया था। हाँ पर मैं होटल का खाना खाकर बोर हो गई हूँ तो मैं बाहर से लेने आई हूँ। मतलब तुम होटल से बाहर आई हो ताए? हाँ मैं बाहर आई हूँ। ताए कहाँ हो तुम? तुम अपनी मीटिंग पर ध्यान दो कि मैं खाना लेकर वापस चली जाऊंगी। ओ गॉड ये लड़की मुझे फालतू में टेंशन दे रही है। क्या हुआ जंगकुक, पता लगाओ ये ताए कहाँ है। जंगकुक ताए तो होटल में ही होगी ना? नहीं है वो होटल में, वो बाहर खाना लेने गई है, पता लगाओ वो कहाँ है। मैंने स्टाफ से बोला था कि उसका ख्याल रखें, फिर भी उन्होंने इतनी रात में ताई को बाहर जाने कैसे दिया। जंगकुक फिकर मत करो, ताई बच्ची नहीं है। वो बच्ची ही है शुगा, पता लगाओ उसका वो कहाँ है। अंकल जल्दी खाना पैक कर दीजिए। सुनो देखो वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है और वो अकेली भी है, बात करें क्या उससे? अंकल साथ में चटनी भी जरूर देना। हाय तुम अकेली हो ना, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगी? नहीं। अरे चलो ना हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे। मैंने कहा ना नहीं, तुम्हें मरना है क्या? लो बेटा तुम्हारा खाना। अरे कहाँ जा रही हो, कर लो ना हमसे फ्रेंडशिप, फिर साथ में मिलकर मजे करेंगे। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसे हुई ताई का हाथ पकड़ने की? जंगकुक छोड़ मैं देखता हूँ इन्हें। कुकी कुकी मेरा हाथ छोड़ो, तुम बाहर क्यों गई थी? मैंने तुम्हारा पूरा दिन वेट किया था पर तुम नहीं आए, तो मुझे भूख लगी थी तो मैं खाना लेने चली गई। पर खाना तो मैंने रूम में ही भिजवा दिया था तो तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे होटल का खाना नहीं खाना था, मुझे बाहर का खाना खाना था। तो स्टाफ से कह देती तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी रात को? अगर कुछ हो जाता मैं वहाँ नहीं आता तो क्या होता? सॉरी दोबारा ऐसा कुछ मत करना। हाँ नहीं करूँगी, पहले तुम मुझे बाहर घुमाने लेकर चलो। तुमने कहा था आज तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे पर तुम नहीं आए, एक जरूरी मीटिंग आ गई थी ताए इसलिए नहीं आया। तुम अगर इतना बिजी रहने वाले थे तो मुझे साथ लेकर ही क्यों आए हो? मैं पूरा दिन रूम में बोर होती रहती हूँ अकेली। ठीक है हम कल चलेंगे बाहर। सच में तुम ऑफिस नहीं जाओगे कल? नहीं पहले थोड़ा काम है, काम हो जाने के बाद फिर चलेंगे बाहर। इसका मतलब तुम कल ऑफिस जाओगे? हाँ मैं जल्दी ही काम खत्म करके तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा।
तो फिर मैं भी ऑफिस चलूंगी। तुम्हारा काम हो जाने के बाद हम ऑफिस से ही बाहर घूमने चलेंगे। नहीं, मैं तुम्हें होटल से ही पिक कर लूंगा तार। नहीं कुकी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी ऑफिस। प्लीज, मैं यहाँ होटल में अकेली बोर होती रहती हूँ। सुबह जल्दी तैयार हो जाना फिर। ओके, थैंक यू कुकी। जाओ अब रूम में। ओके, गुड नाइट। कुकी, तुम्हारा काम हो गया? अभी नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे। कुकी, हो गया क्या? और कितना टाइम लगेगा? तार, हो जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा तुम्हें। सुबह से दोपहर हो गई और इसका काम अभी तक खत्म होने को ही नहीं आया। तो अब ये फ्री होगा, कब हम बाहर घूमने जाएंगे? कुकी, ये खाना क्यों मंगाया है तुमने? हम तो बाहर जाने वाले हैं ना। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए मैंने खाना यहीं मंगा दिया। तुम इतना खाना खाओ, मैं मीटिंग अटेंड करके जल्दी आ जाऊंगा। तुम नहीं खाओगे? नहीं, तुम खाओ, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। कुकी, पहले खाना खा लो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। खा लो ना प्लीज। ठीक है। फिर जंगकुक भी ताय के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। मैंने खा लिया, मैं जा रहा हूँ। ओके, जल्दी आना। ताय वेट करती रहती है, ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है और ताय वेट करते करते सो जाती है। चलो फिर चलेंगे हम घर। ताय, जिद मत करो। ओके, पहले प्रॉमिस करो तुम मुझे मूवी दिखाने लेकर जाओगे घर जाने के बाद। फिर मैं चलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें मूवी दिखाने लेकर जाऊंगा। पक्का ना? हाँ पक्का, अब चलो। फिर ताय जंगकुक वापस अपनी सिटी बुसान जाते हैं। सर, पहले कहाँ चलूँ, ताय मैम के घर या आपके घर? ताय के घर चलो। हाँ मिस्टर ली, मैं वापस आ गया हूँ, हम कल ही मीटिंग करेंगे। हम पहुँच गए क्या? हाँ पहुँच गए। कुकी, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? हाँ याद है। तो हम कब जा रहे हैं फिर मूवी देखने के लिए? मैं बता दूंगा तुम्हें ताए, अब जाओ। ओके, गुड नाइट। जंगकुक को कॉल करती है। गुड मॉर्निंग कुकी। गुड मॉर्निंग ताय। ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। मुझे काम है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। जंगकुक कॉल कट कर देता है। पता नहीं ये बाद कब आएगा, कब कुकी मुझसे सही से बात करेगा। ताय, तुमने तो जंगकुक के साथ बहुत एंजॉय किया होगा ना? बताओ ना कहाँ कहाँ घूमी हो सियोल में। हाँ हाँ बताती हूँ, सब्र रखो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, बताओ ना जल्दी।
होटल और ऑफिस के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। ताय तुम मजाक कर रही हो ना, बताओ ना सही से मुझे, तुम्हें लगता है वो सड़ू मुझे कहीं घुमाने लेकर गया होगा? उसे काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है जिमिन। मुझे तो सच में लगा था जंगुक तुम्हें थोड़ा टाइम देगा, तुम साथ में जा रहे हो तो। बहुत टाइम दिया पर कोई बात नहीं है जिमिन, उसने मुझसे प्रॉमिस करा है वो मुझे मूवी दिखाने लेकर जाएगा। ओह सच में, कब? ये तो नहीं पता कब, पर उसने मुझसे प्रॉमिस करा है वो मुझे मूवी दिखाने लेकर जाएगा जैसे ही वो फ्री होगा। मैं भी अपने बिल्लू से कहूंगी वो भी मुझे मूवी दिखाने लेकर जाए, वो भी जंगों के साथ रह रहकर उसके जैसा होता जा रहा है, मुझे टाइम ही नहीं देता। और अब तो मैं कुछ दिनों बाद सियोल में जाने वाली हूँ। हाँ जिमिन जरूर, तुम भी मूवी देखने जरूर जाना। तुम ये बताओ तुमने डिसाइड किया या नहीं तुम सियोल जाओगी ना मेरे साथ? जिमिन मैं अभी तो आई हूँ सियोल से। ताए नहीं जिमिन, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करना ये प्रोजेक्ट, मैं अपने कुकी को देखे बिना एक दिन में नहीं रह सकती। ताए बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये एक दिन की बात नहीं है, हमें पता नहीं वहाँ कितने दिन रुकना पड़े, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है मत जाओ, कुकी की पुजारन? हाँ मैं अपने कुकी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ताए जंगकुक को गुड नाइट का मैसेज करती है। गुड नाइट कुकी। ये लड़की कभी मैसेज करना नहीं भूलती। ताए जंगकुक के ऑफिस जाती है। क्या कर रहे हो कुकी तुम यहाँ? हाँ तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, मैं तो यहाँ आती ही रहती हूँ। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था। कुकी तुमने कहा था तुम मुझे मूवी दिखाने लेकर जाओगे, इतने दिन तो हो गए, तो हम कब मूवी देखने जाएंगे फिर? ताए मैंने तुमसे पहले भी कहा था जब हम जाएंगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। तो कब जाएंगे हम? चलो ना प्लीज, हम आज ही मूवी देखने चलते हैं ना प्लीज। ओके हम रात को चलेंगे। ओह थैंक यू कुकी मेरी बात मानने के लिए, तुम अब जाओ रात को आ जाना, मैं टिकट बुक करवा लेता हूँ। ओके ठीक है। शुगा तुम संभाल लेना, मैं ताई के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आ जाती है। सर मिस्टर चोय आए हैं और वो आपसे मीटिंग करने को बोल रहे हैं। हाँ उनसे बोलो शुगा आ रहा है। नहीं सर मैंने उनसे पहले ही बोल दिया, पर वो आपके साथ ही मीटिंग करने को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप नहीं आए तो वो कल आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, फिर मीटिंग नहीं हो पाएगी। शुगा तुम देखो जाकर। ठीक है मैं मिस्टर चोय से बात कर आता हूँ। शुगा बात कर आ जाता है। जंगकुक तुम्हें ही मीटिंग करनी होगी मिस्टर चोय के साथ, वो तुम्हारे साथ ही सियोल प्रोजेक्ट पे डिस्कस करना चाहते हैं। तभी ताई की कॉल आ जाती है। कुकी कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ। ताई मैं नहीं आ सकता, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, तुम घर जाओ हम बाद में चलेंगे। ताई क्या हुआ? बस बहुत हुआ कुकी, आज तो पता चल ही जाए मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। ताई क्या हुआ तुम चिल्ला क्यों रही हो? कुकी मेरा पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तुम वहीं रहना मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ जंगकुक? पैर के चोट लग गई है, मुझे जाना होगा, पर मीटिंग वो तुम देख लो। जंगकुक मीटिंग तुम्हें ही अटेंड करनी पड़ेगी, ताए को मैं देख लूंगा। जंगकुक शुगा की बात नहीं सुनता और वो चला जाता है। क्या हुआ ताए तुम ठीक हो? नहीं जंगकुक मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। फिर जंगकुक ताए को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इसका मतलब कुकी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयर करता है। फिर डॉक्टर ताई के पैर को चेक करती है। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। अच्छा पर ये मोच तो नहीं लग रही। कुकी डॉक्टर सही से चेक करिए ना। तभी जंगकुक के पास किसी की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ अब दर्द नहीं हो रहा? नहीं डॉक्टर हो रहा है। अच्छा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के जाते ही चुप क्यों हो गई? डॉक्टर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मेरा फियांसे है, जो भी है तुमने उसको दिखाने के लिए उसकी केयर पाने के लिए ड्रामा किया ना? नहीं डॉक्टर। अच्छा चलो मैं मेडिसिन दे देती हूँ, इसको खा लेना तुम्हें बेटर फील होगा। ये कहाँ चला गया, आया क्यों नहीं?
जंगकुक ताए और डॉक्टर की सारी बात सुन लेता है और वो ताए के लिए व्हीलचेयर भेजता है। क्या हुआ ताए, अब भी दर्द हो रहा है? तुम चल सकती हो या नहीं? नहीं कुकी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तभी वहाँ कोई केट आ जाती है। ताए, तुम तो कह रही थी तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कुकी, दवाई का असर हो गया, मेरे अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। बहुत अच्छी डॉक्टर है ये तो। तुम नाटक कर रही थी, तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं कुकी। ओ शट अप ताए, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो। कुकी मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? मुझे पता है तुम ड्रामा कर रही थी, मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी ताए। कुकी प्लीज गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुन लो। क्यों करती हो ऐसी हरकतें तुम? तुम्हारी इन हरकतों से मैं थक चुका हूँ। तुम एक मौका नहीं छोड़ती मुझे परेशान करने का। ये क्या बोल रहे हो कुकी? प्लीज गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। हाँ मैंने झूठ बोला, पर मेरे चोट सच में लगी थी। मेरा पैर मुड़ गया था। हाँ ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था, मैं चल सकती थी। बस मैंने तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए ऐसा किया। तुमने मेरी अटेंशन पाने के लिए मुझसे झूठ बोला, पर तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए क्यों था? कुकी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी अटेंशन पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे थोड़ा सही से टाइम दो। रियली? मैं सीरियसली था? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? हर टाइम तो तुम मेरे आसपास मंडराती रहती हो। ऑफिस में होता हूँ तो ऑफिस में आ जाती हो, घर होता हूँ तो घर आ जाती हो, और जिस दिन नहीं आती हो उस दिन मुझे मैसेज और कॉल कर मुझे परेशान करती हो। और तुम कह रही हो मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें मेरा? क्या कुकी ताए, अब बस बहुत हो गया, थक चुका हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी इन हरकतों से। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है ताए, अब बस करो। थक गया हूँ मैं अब तुम्हारा बोझ उठा उठा के। बोझ? हाँ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुमसे ताए, तुम्हारी हरकतों से। तुम्हें अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुमने मुझसे एंगेजमेंट की ही क्यों, तुम्हारे और अपने डैड के कहने पर? पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुमने मुझसे कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। साथ रहने के लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता है ताए। तुम्हारे और मेरे डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। तभी जंगकुक के पास शुगा की कॉल आ जाती है। जंगकुक जल्दी आ, मिस्टर छा तेरा बहुत देर से वेट कर रहे हैं, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, हमारे हाथ से ये डील निकल जाएगी। जंगकुक जल्दी आ। हाँ मैं आ रहा हूँ। अब कहाँ जा रही हो? मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा, यहीं रहना। इतना कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जिमिन के घर ड्रॉप कर दोगे?
पर तुम्हें हुआ क्या है? प्लीज मुझे जिमिन के घर ड्रॉप कर दो। पर मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ताए, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जिमिन के घर ड्रॉप कर दो प्लीज। फिर ताए ताए को जिमिन के घर ड्रॉप कर देता है। ताए क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? जिमिन मैं बोझ हूँ। जिमिन क्या बोल रही हो ताए, तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो? जिमिन मैं बोझ हूँ कुकी पर, कुकी मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे बोझ मानता है। मैं बोझ हूँ जिमिन, बस बोझ। ताए पहले रोना बंद करो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज रो मत, मुझे सही से बताओ क्या हुआ है। ताए प्लीज रोना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम रोना बंद करो प्लीज। ताए रोना बंद नहीं करती, वो रोती रहती है। और जिमिन बहुत मुश्किलों के बाद ताए को चुप करा देती है, उसको रिलैक्स करा देती है। अब बताओ मुझे क्या हुआ है। फिर ताए जिमिन को सब बता देती है। मुझे नहीं पता था जिमिन मैं कुकी पर कब बोझ बन गई, मैंने उसे इतना परेशान कर दिया कि मैं उसको बोझ लगने लगी हूँ। मुझे नहीं पता था वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मुझे तो लगता था वो मुझसे प्यार करता है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। जिमिन मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ ना जिमिन। ताए ऐसा मत बोलो, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम जंगकुक से प्यार करती हो। नहीं जिमिन मैं बेवकूफ ही तो हूँ, मुझे पता नहीं क्यों रियलाइज ही नहीं हुआ कुकी मुझसे प्यार नहीं करता है, वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। डोंट वरी ताए, सब ठीक हो जाएगा, मैं शुगर से बात करूंगी। नहीं जिमिन, तुम शुगर से क्या बात करोगी, तुम शुगर से कुछ नहीं कहोगी। अब जो भी करना है मैं करूंगी। क्या करने वाली हो तुम? कुछ नहीं जिमिन, बस मैं कुकी का बोझ दूर कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम ताए? हाँ जिमिन, मैंने कुकी को बहुत परेशान कर दिया, पर अब नहीं, मैं अब उससे बहुत दूर चली जाऊंगी। ताए क्या हुआ बेटा, तुम्हारा फेस इतना मुरझाया हुआ सा क्यों हो रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बस रात में सो नहीं पाई ना, इसलिए मेरा फेस ऐसा हो रहा है। क्यों बेटा, तुम सोई क्यों नहीं थी? मम्मा मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। परमिशन किस चीज के लिए? मम्मा हमें एक प्रोजेक्ट मिला है कॉलेज की तरफ से, जिसके लिए हमें सियोल यूनिवर्सिटी जाना होगा। क्या तुम्हें सियोल जाना पड़ेगा? हाँ मम्मा, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा, पर वापस कब तक आ जाओगी फिर तुम? मम्मा आने में कुछ दिन लग सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। पर बेटा तुम अकेली कैसे रहोगी? मम्मा जिमिन जा रही है मेरे साथ, और कॉलेज से बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं। तुमने जंगकुक से बताया फिर? हाँ उसे पता है। मम्मा मैं मॉम डैड से भी जाकर मिल लेती हूँ, फिर मैं वहीं से सियोल के लिए निकल जाऊंगी, जिमिन मुझे पिक करने के लिए आने वाली है। ओके बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मा आप भी अपना ख्याल रखना। फिर ताए जंगकुक के मॉम डैड से मिलने जाती है और उनको बताती है कि वो सियोल जा रही है। तो ताए बेटा तुम आज ही जा रही हो? हाँ मॉम मैं आज ही जा रही हूँ। तुमने जंगकुक को बताया? जंगकुक को पता है इस बारे में? हाँ मॉम उसे पता है। तो फिर वो तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा क्या? मॉम वो बिजी है, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। ओ ताए इसमें परेशान करने वाली क्या बात है, वो तुम्हें छोड़ने तो जा ही सकता है ना? नो डैड, उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है, जिमिन आ रही है। ओके बेटा अपना ख्याल रखना। आई एम सॉरी मम्मा मॉम डैड, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती, पर मैं आपको सही टाइम आने पर सब बता दूंगी। और कुकी अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा बोझ तुमसे दूर जा रहा है। क्या हुआ ताए, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं मॉम, मुझे अब चलना चाहिए, जिमिन मेरा वेट कर रही होगी। ओके बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ मॉम डैड आप भी अपना ख्याल रखना। ताए कहकर वहाँ से चली जाती है। क्या बात है, ना ताए ने अब मैसेज करा और ना रात, शायद बिजी होगी, क्या पता यही आ जाए ऑफिस में। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं, ताए ना मैसेज कर रही है, ना कॉल कर रही है, ना ऑफिस मिलने आ रही है, आखिर ये लड़की कहाँ बिजी है? जंगकुक बेटा तुम यहाँ? हाँ मॉम मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। ओ बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा करा।
और ऐसे ही जंगकुक और जिशो थोड़ी बातें करते हैं। फिर जंगकुक ताई को इधर उधर देखने लगता है। ये लड़की घर पर भी नहीं है क्या? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मॉम, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे काम है। और ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और जंगकुक को पता नहीं चलता ताई सियोल गई है। अब तो हद हो गई है इस लड़की की। वैसे तो मेरे आगे पीछे मंडराती रहती थी, अब इससे एक कॉल या मैसेज भी नहीं हो रहा है। ये सब कितना बिजी है ये, ना ऑफिस आ रही है ना मुझे कॉल एसएमएस करके बता रही है। एक मैसेज या कॉल करने का भी टाइम नहीं है इसके पास मेरे लिए। क्या मैं खुद कॉल करके पता लगाऊं आखिर ये है कहाँ? नहीं नहीं मैं क्यों करूँ कॉल, मैंने आज तक कभी की है जो मैं आज करूँगा? जब खुद फ्री होगी तो आ जाएगी। जंगकुक। हाँ बोल। कुछ कमी कमी से महसूस हो रही है। कमी? किस चीज की कमी? एक मधुमक्खी तेरे आसपास मंडराती रहती थी पर वो 2 हफ्ते से नजर नहीं आ रही है। मधुमक्खी? अरे ताई की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, वो 2 हफ्तों से ऑफिस नहीं आई है? ऐसा तो बहुत कम होता है, ताई ऑफिस ज्यादा से ज्यादा एक दिन नहीं आती है। 2 हफ्ते हो चुके हैं पर ताई नहीं आई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जंगकुक शुगा, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ है, ना मुझे कॉल कर रही है ना मैसेज कर रही है, घर जाता हूँ तो घर भी नहीं मिलती है। अच्छा कहीं ताई जिमिन के साथ सियोल तो नहीं गई है? सियोल? हाँ जिमिन सियोल गई है कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। नहीं नहीं ताई अगर सियोल जाएगी तो वो मुझे बता कर जाती ना, वो तो मुझे छोटी से छोटी बात बताती है। हाँ सही कह रहा है, शायद तू जिमिन भी मुझे बता देती अगर ताई उसके साथ जाती तो। पर पता करने में क्या जा रहा है शुगा, तू जिमिन को कॉल कर उससे पूछ और कॉल ना स्पीकर पे रखना, समझा? ठीक है मैं कॉल करता हूँ। फिर शुगा जिमिन को कॉल करता है। हाँ मेरे बिल्लू कैसे याद आ गई मेरी? ओह माय चिमचिम, ऐसा तो कोई पल ही नहीं है जब मुझे तुम्हारी याद ना आए। वैसे जिमिन ताई तुम्हारे साथ गई है क्या या तुम अकेली हो? हाँ ताई मेरे साथ ही है, और कहाँ होगी? ओह मैंने ये क्या बोल दिया, ताई ने मुझसे तो मना करा था। ताई ने क्या मना करा था जिमिन? कुछ नहीं मोची, तुम अपने बिल्लू से छुपाओगी, तुम मुझे नहीं बताओगी। अरे नहीं शुगा मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, कोई बात नहीं है। जिमिन तुम मुझसे कब से बातें छुपाने लगी, मैं तो तुमसे कोई बात नहीं छुपाता हूँ ना। ठीक है छुपाओ, मैं भी तुमसे आज से कुछ शेयर नहीं करूँगा। अरे नहीं ठीक है मैं बताती हूँ, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम जंगकुक से कुछ नहीं बताओगे। हाँ बाबा प्रॉमिस करता हूँ मैं जंगकुक से कुछ नहीं कहूँगा। फिर जिमिन शुगा को सब बता देती है। तुम्हारे जंगकुक की वजह से मेरी ताई बहुत हर्ट हुई है, वो बहुत रो रही थी शुगा, तुम्हें बता नहीं सकती उसको संभालना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था, और तुम्हारे फ्रेंड को कोई एहसास भी नहीं हुआ। और पता अगर काय ताई को नहीं देखता ना तो पता नहीं मेरी ताई का उस दिन क्या होता। जिमिन मैं समझा नहीं, ताई रोते रोते बेहोश हो गई थी शुगा। क्या? जिमिन ताई और अपना ख्याल रखना, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जंगकुक ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। इसे टाइम दो। जा रहा हूँ मैं आज से वही काम करूंगा अपना। और मैं जंगकुक,
ये कोई पूछने वाली बात है शुगा, जब मैं जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। ओ यही तो मैं चाहता हूँ। जिमिन मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ मुझे उस सड़ू की बार बार याद क्यों आ रही है, मुझे नहीं करना उसे याद, बाहर में जाए वो। ओ प्यारो तुम इतनी ऊपर कैसे चढ़ गई, रुको मैं उतारती हूँ तुम्हें। फिर टायर बिल्ली को उतारने लगती है। जो मेरी फिक्र करते हैं, जिन पर मैं बोझ नहीं हूँ, उनको बताकर आई हूँ मैं। तुम्हें क्यों बताती मैं? तार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जंगकुक जाओ यहाँ से। जंगकुक? क्यों, कुछ और नाम है क्या तुम्हारा? मैंने गलत नाम ले लिया क्या? पर तुम तो मुझे कुकी कहती थी ना। मैं जिससे प्यार करती थी उसको कुकी कहती थी। तार मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जंगकुक तार इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये तो मेरी बात सुनने को भी रेडी नहीं है, इसको कैसे मनाऊं मैं? काय तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? काय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये काय है ताई जिमिन का फ्रेंड। हाँ बोलो क्या बात करनी है। तभी वहाँ जंगकुक भी आ जाता है। काय मैं तुमसे बहुत दिनों से ये बात कहने की सोच रहा हूँ। हाँ बोलो फिर क्या बात है? ताय क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं फियांसे है। हाँ तुम कौन हो मिस्टर? मैं ताय का फियांसे हूँ। तुम मेरी ताय से क्या बात कर रहे थे? फियांसे? ताय ये सच में तुम्हारा फियांसे है? क्यों तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? ओ तुम चलो मेरे साथ। जंगकुक छोड़ो मेरा हाथ। वो क्या बात कर रहा था तुमसे? तुमने सुनने ही कब दी? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ओह हाँ मैं भी क्या पूछ रही हूँ। ऑफ कोर्स किसी काम से ही आए होगे। नहीं मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए ना, तो मेरा फेस मुरझा गया था, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। मुरझाया नहीं खिल गया है, वो तो तुम्हें देखकर खिला है। ताय मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है मिस्टर जियोन जंगकुक। ताय प्लीज मेरी बात सुनो। ताय जंगकुक की बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। जंगकुक ताय से रोज बात करने की कोशिश करता है, पर ताय जंगकुक की बात नहीं सुनती। ताय मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें? तुम तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं हो। तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे कट रहा है मैं ही जानता हूँ। मुझ पे क्या गुजर रही है पता नहीं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे क्यों रियलाइज नहीं हुआ मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया। पर अब मैं तुम्हें मना कर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है ताय मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, जो गुजर गया मैं उस वक्त का तो वापस नहीं ला सकता ताय। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हर उस बीते पल की भरपाई करूँगा। मैं तुम्हें मना कर ही रहूँगा ताय, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, पर अब नहीं। बात जंगकुक की बात सुनकर देख तो लो वो क्या कहना चाहता है। क्या बात सुनूं मैं उसकी? जिमिन मुझे पता है वो यहाँ क्यों आया है। कुकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरे और अपने डैड के वजह से आया है। मेरे डैड ने जंगकुक के कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली है ना, वो बस उसका बोझ उठाने के लिए यहाँ आया है। तभी सामने से जंगकुक आ रहा होता है। ये फिर आ गया? ता एक बार बात कर ही लो। नहीं मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है जिमिन। जिमिन मुझे ताय से बात करनी है, तो तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? हाँ हाँ मैं जा ही रही हूँ, मेरा अशुगा वेट कर रहा है। बाय ताय। जिमिन उसको छोड़ो और मेरे साथ चलो। जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो। जंगकुक मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैंने कहा ना यहाँ बैठो। क्या है क्यों पीछे पड़े हो?
पहले बात सुन लो फिर पीछे नहीं आऊंगा। हाँ बोलो क्या बात करनी है। तुम हमारी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो ना? हाँ। तो ठीक है फिर ताए, मैं किम ग्रुप और जियोन ग्रुप की पार्टनरशिप को तोड़ रहा हूँ। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जंकुक? मैं ऐसे ही करूँगा ताए। तुम्हारे डैड और मेरे डैड ने तुम्हारी और कंपनी की जिम्मेदारी मुझे दी थी और तुम एंगेजमेंट तोड़ रही हो तो मैं कंपनी की जिम्मेदारी भी क्यों निभाऊं? और बता देना अपने मॉम और मेरे मॉम डैड को भी तुमने ये एंगेजमेंट तोड़ दी और अपने डैड का सपना भी। जंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं तुम कर रही हो, तुम ही तो तोड़ना चाहती हो हमारे एंगेजमेंट और हमारे पेरेंट्स का सपना भी। जंकुक तुम हार्टलेस हो, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है पत्थर। और कुछ? तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे हो। तो ठीक है फिर आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग। और हाँ पेरेंट्स को जरूर बता देना हमारे, और मुझे बीच में मत घसीटना क्योंकि रिश्ता तुमने तोड़ा है मैंने नहीं। ठीक है जंकुक मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी। मुझे पता ही था है तुम हमारी एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती। पर हाँ जंकुक मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मतलब यही है जंकुक मैं भले ही एंगेजमेंट नहीं तोड़ रही पर ये मत सोचना कि सब कुछ पहले जैसा होगा। हम साथ रहकर भी साथ नहीं होंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे जंकुक तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम पहले भी कौन सा साथ थे और अब भी नहीं होंगे। डोंट वरी मैं तुम पर अब बोझ नहीं बनूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, हम बस नाटक करेंगे साथ होने का। हाँ वो तो मैं देख लूंगा, पर मेरी एक बात और सुन लो भाई, तुम्हें आज से और अभी से मेरे साथ रहना होगा। ओह जंकुक ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ तो तुम्हें रहना पड़ेगा ताए, और अगर तुम नहीं रहना चाहती तो ठीक है फिर बता देना हमारे पेरेंट्स को कि तुमने हमारा रिश्ता खत्म कर दिया। जंकुक तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तुम्हें अगर हमारी कंपनीज की पार्टनरशिप नहीं तोड़वानी है ना तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तो तुम्हारा जो भी डिसीजन है मुझे अभी बता दो। फाइन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे पता था ताए तुम यही डिसीजन लोगी। तो चले फिर अब हम। तुम जाओ मैं खुद ही अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। ओके मैं तुम्हारी ये बात तो मान ही सकता हूँ, जल्दी आना लेट मत करना। ताए कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से चली जाती है। सॉरी ताए पर मेरे पास बस यही रास्ता था। मैं अब तुम्हें ज्यादा दिन तक उससे नाराज नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगा। पहले मैं यही चाहती थी जंकुक हम साथ रहें, पर अब सब बदल चुका है। पहले तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे और अब मैं, और मुझे पता है तुम भी बस अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ऐसा कर रहे हो, और मैं भी बस अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी जंकुक। ओ आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मेरा रूम कहाँ है? आओ चलो पहले मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। मुझे तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा रूम बताओ। अरे ताए पहले अंदर तो आ जाओ। फिर ताए घर के अंदर जाती है। तो ताए कैसा लगा तुम्हें घर? मैंने कहा ना जंकुक मुझे तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे रूम का बताओ वो कहाँ है। ओ ताए अब तो ये तुम्हारा भी घर हुआ ना जब तुम यहाँ रहोगी तो। जंकुक मेरा रूम कहाँ है? ओके चलो मैं रूम दिखाता हूँ। फिर जंकुक ताए को रूम दिखाने ले जाता है। तो ये है हमारा रूम, कैसा लगा ताए? हमारे से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा और तुम्हारा हमारा हुआ ना, ऐसा सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ एक रूम में रहूंगी, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही बोल रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैंने सोचा हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। ओ रियली तुम और मेरी फिक्र करोगे? हाँ ताए तुम्हें पता नहीं है ये घर भूतिया है, मुझे शुगर ने बताया पर मुझे तो इन बातों पर बिलीव नहीं है, पर तुम्हें है और तुम्हें भूतों से डर भी बहुत लगता है इसलिए मैं तुम्हारे बारे में ही सोचकर एक ही रूम में रहने को बोल रहा हूँ। नो थैंक्स तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इस रूम में रहना है इस रूम में रहो, अलग रूम में रहना है अलग रूम में रहो, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस दिन यहाँ शिफ्ट हुआ था ना उस दिन क्या उस दिन मुझे महसूस हुआ था कि जैसे मेरे पीछे कोई हो, काला काला सा साया वगैरह, पर मुझे तो इन बातों पर बिलीव नहीं है। तो छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये रूम सही है? हाँ जाओ अब तुम। मैं जाऊँ? हाँ जाओ। पक्का मैं जाऊँ? नहीं वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा ना जाओ।
बुरी बात नहीं है ताए, भूत हुआ भी तो डरना मत, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, रूम तो अच्छा है। कवर चेक करती हूँ। ये क्या है? ऐसे पिलो कौन रखता है? डरा दिया मुझे, गधा कहीं का। क्या सच में ताए को डर नहीं लगा? वो अब डरती नहीं है क्या? हाँ, मैंने तो सोचा था कि हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ताए सच में भूत आ गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं डरूंगी। जंगकुक, तुम्हें पूरे सियोल में बस यही एक भूतिया घर मिला था क्या रहने के लिए? क्या करूँ मैं, मुझे नींद कैसे आएगी? क्या हुआ ताए, तुम यहाँ मेरे रूम में? मैं यही सोऊंगी। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ सो जाओ। नहीं, मैं बेड पर नहीं सोऊंगी, मैं नीचे सो जाऊंगी। तुम बेड पर सो जाओ। ताए, तुम्हें नीचे नींद नहीं आएगी। नहीं, मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। ताए, अगर बेड के नीचे से भूत आ गया तो? हाँ? नहीं, मैं यही सो जाऊंगी। तुम भी यही मेरे पास ही सो जाओ जंगकुक। ओके। प्लीज मेरे पास ही रहना, यहाँ से जाना मत। नहीं जाऊंगा ताए, सो जाओ। नहीं नहीं जंगकुक, लाइट मत बंद करो, मुझे नींद नहीं आएगी फिर। अच्छा चलो ठीक है, फिर नहीं कर रहा बंद, सो जाओ अब। जंगकुक करवट मत लो प्लीज, मेरी तरफ ही फेस रखो अपना। ओ ताए, इतना क्यों डर रही हो? मैं हूँ तो तुम्हारे साथ। अच्छा एक काम करो, मुंह ढक लो, फिर डर नहीं लगेगा। तुम भी मेरे साथ अपना मुंह ढको। ओके। ओ माय ताए बेबी, तुम कितनी इनोसेंट हो और क्यूट भी। फिर ताए जंगकुक सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग ताए, आओ चलो नाश्ता कर लो। हाँ, क्या ये नाश्ता तुमने बनाया है? हाँ, कुकी? जंगकुक, तुम्हें नाश्ता बनाना आता है? मुझे तो और भी बहुत कुछ आता है। आओ चलो नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैंने कहा ना मुझे नहीं करना, खुद कर लो। ओ ताए बेबी, गुस्सा नहीं काटते हैं। क्या कहा तुमने? देखो ताए, हमें साथ तो रहना ही है, तो हम खुशी से साथ रहते हैं ना। क्या मतलब है तुम्हारा? ताए, तुम मेरे साथ कपल्स की तरह नहीं रहना चाहती, पर हम दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं ना। ये नाराजगी गुस्से से क्या होगा, हम दोनों को ही हर्ट होगा। ओ मिस्टर जियोन, जंगकुक तुम्हारे मुँह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं, तो बेहतर है तुम इन सब बातों को छोड़ ही दो। ओके, नहीं करूँगा, पर तुम नाश्ता कर लो। और ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दोगे। हाँ, जो सोचना है सोचो, पर नाश्ता कर लो। और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, नाश्ता करके बाहर आ जाना, कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। जंगकुक इतना कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वाओ, नाश्ता तो बहुत बढ़िया बनाया है सड़ों ने। क्या हुआ, तुम कार से क्यों उतर रहे हो? अभी बताता हूँ, मेरे साथ आओ। जंगकुक मुझे लेट हो रहा है। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पर इससे पहले तुम कुछ कहो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये भी मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये लेना ही होगा। ठीक है। क्या हुआ ताए, तुम ठीक हो? तुम्हें ये अचानक छींके क्यों आने लगी? मुझे रेड रोजेस से एलर्जी है। क्या, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने बताने का मौका दिया? इचिंग हो रही है। अच्छा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर जंगकुक ताए को हॉस्पिटल ले जाता है। मिस्टर, ये आपकी वाइफ है? हाँ ये मेरी वाइफ है। इसने मुझे वाइफ क्यों बोला? फिर डॉक्टर ताए को चेक करती है। डॉक्टर ताए ठीक तो है ना? हाँ मैं चेक कर रही हूँ, वेट करो। ये सब मेरी वजह से हुआ, ये मेरी गलती है, मुझे कैसे नहीं पता ताए को रोजेस से एलर्जी है। लो मिस्टर, जहाँ जहाँ तुम्हारी वाइफ की एलर्जी हो रही है ना, वहाँ उसको ये दवाई लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। मैं अभी आती हूँ। जंगकुक दवाई मुझे दो, मैं खुद लगा लूंगी। पक्का तुम लगा लोगी?
हाँ मैं लगा दूंगी, मुझे दो। हाथ क्यों नहीं जा रहा है? टाई लाओ मैं लगा देता हूँ। नहीं मैं खुद लगा रही हूँ, मुझे पता है तुमसे नहीं लग रहा है टाई। नहीं मैं लगा लूंगी टाई, ट्रस्ट में मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। तुम मुझे खुद बताती रहना कहाँ कहाँ लगाना है। ओके लो। सही लगा रहा हूँ ना? थोड़ा राइट। नहीं जंगो पिया नहीं। तो फिर ये अब सही है? नहीं ठीक है, हो गया। फिर टाय बाहर आ जाती है। टाय तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। I'm sorry टाय, मुझे नहीं पता था तुम्हें रोज़ से एलर्जी है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता भी कैसे होगा। टाय जंगकुक मुझे घर जाना है। हाँ हाँ ठीक है चलो। फिर टाय जंगकुक घर चले जाते हैं। क्या हुआ टाय, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ये मेरे नेक पर भी निशान आ गए। रुको मैं दवाई लेकर आता हूँ। डॉक्टर ने मुझसे कहा था अगर कहीं और एलर्जी हो जाए तो ये लगा देना। I'm sorry ताय, ये मेरी वजह से हुआ, मुझे पता होना चाहिए था तुम्हें रेड रोज़ से एलर्जी है। क्या हुआ? तुम्हारी फिंगर ठंडी हो रही है। अच्छा हिलो मत, सही से लगाने दो। तुम मेरे इतने क्लोज मत आओ। क्यों? क्यों क्या? तुम मुझसे दूर रहो। इतने पास क्यों आ रहे हो? क्यों ताय, तुम्हें डर लग रहा है क्या? कहीं मैं खुद लगा लूंगी, जाओ यहाँ से। ताए रूम क्यों लॉक किया, खोलो। कुकी मेरे कितने किलोज आ गया था, ये करने के वाला था अभी। हाँ ताए ये क्या सोच रही है? नहीं नहीं ऐसा कुछ मत सोच। ताए ओपन द डोर। नहीं मैं नहीं खोलूंगी। ताए जंकू के पास रूम की दूसरी चाबी होती है और वो डोर लॉक खुद ही खोल लेता है। तुम अंदर कैसे आ गए? तुमने लॉक कैसे खोल लिया? तुम्हें क्या लगा मेरे पास इस रूम की दूसरी चाबी नहीं होगी? जाओ तुम यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जंगकुक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे जंगकुक, छोड़ो मुझे। तुमने डोर लॉक क्यों किया था? मैं दवाई ही तो लगा रहा था। हटो मेरे ऊपर से, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। भाई तुम्हें तो फीवर है। तभी जंगकुक के पास किसी की कॉल आ जाती है। हाँ बोलो। जंगकुक सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो सुबह जल्दी आ जाना। ओके ठीक है मैं आ जाऊंगा। ताए उठो, तुम्हें फीवर है, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मुझे नींद आ रही है, मैंने दवाई ले ली है, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। मुझे आराम की जरूरत है। फिर ताए इतना कहने के बाद सो जाती है। ताए की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? फीवर तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ बेटर है, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए अभी तक? तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा ताए? और तुम्हारी मीटिंग का क्या? मैं मैनेज कर लूंगा, तुम आराम करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा जंकुक, तुम मेरे लिए ऑफिस का काम छोड़ रहे हो।
या बस अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ऐसा कर रहे हो? और मुझे तुम्हारा केयर करना अच्छा लग रहा है। काश जंतु तुम मेरी दिल से केयर करते, जिम्मेदारी समझ कर नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ताय का बिहेवियर जंतु के लिए थोड़ा सही हो जाता है। ताय जल्दी फ्री हो जाना, आज हम बाहर डिनर करेंगे। और मना करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। मैं मना करने भी नहीं वाली थी, क्योंकि मेरा भी बाहर डिनर करने का मन है। क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? मुझसे कहने की बजाय तुम पहले खुद जल्दी फ्री हो जाना। हाँ हाँ, मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगा और जल्दी ही आ जाऊंगा। जंगू की एक एकर ऑफिस चला जाता है। चलो मैं भी देखूंगी तुम आज भी अपना ऑफिस का काम करोगे या फिर सच में मेरे साथ डिनर करोगे। लगता है ताया अभी तक नहीं आई है। चलो मैं ही रेडी हो जाता हूँ। मैंने कहा था इस लड़की से जल्दी आ जाना, कहने के बाद भी जल्दी नहीं आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें डोर लॉक करके नहाना चाहिए था ताया। मैं भूल गई थी, जाओ यहाँ से। डोंट टच मी, क्या कर रहे हो? अरे डोर खुल रहा हूँ, डोर पर से हटोगी तभी तो जाऊंगा। पागल लड़की। क्या हुआ, क्या देख रही हो, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम बिना ऑफिस का काम किए मेरे साथ बाहर डिनर कर रहे हो। I'm sorry ताय। ना it's okay, sorry मत बोलो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तुम अपने खाने पर ध्यान दो, तुम भी तो खाओ ना। हाँ खा रही हूँ। ताय अपने मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। हाँ मम्मा, कुकी मुझे टाइम भी देता है, मेरा ख्याल भी रखता है। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। आप अपना ख्याल रखो, हम नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे। ओके बेटा, मैं जंकू के पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, बाद में बात करूंगी। ओके मम्मा बाय। ताय आज रात एक बिजनेस पार्टी है तो हमें जाना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी तुम? बिजनेस पार्टी में मैं क्या करूंगी? सब अपनी वाइफ के साथ आते हैं तो तुम भी मेरे साथ जाओगी। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तुम मेरी वाइफ ही हो, समझी? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तार जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना दूँ तब तक तुम मेरी बात मानती नहीं हो ना? ओके मैं चलूंगी। गुड, रेडी रहना। हाँ ठीक है। जंगकुक मिस्टर शाह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ओके मैं अभी मिलूंगा उनसे जाकर। ओ जंगकुक तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ओ तो सूजी का हलवा भी है यहाँ। हेलो ताय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जंगकुक चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलाना है। ओके ताय मैं अभी आता हूँ। शुगा ताय के साथ रहना। ताय को जंगकुक और सूजी को साथ देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये सूजी का हलवा हमेशा जंगकुक से चिपकता क्यों है और इसको समझ क्यों नहीं आता, वो इससे फ्लर्ट करती रहती है। मुझे यहाँ लाया क्यों था? अगर उसे सूजी के साथ रहना था तो मैं तो मना भी कर रही थी यहाँ आने से। ताय ड्रिंक मत करो, हमारे लिए अच्छी नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है मुझे पता है शुगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मुझे जंगकुक से बताना पड़ेगा, जंगकुक बहुत गंदा है, बहुत बुरा है वो। ताय नीचे उतरो, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से। शुगा ये ऊपर कैसे चढ़ी? मैंने तुमसे कहा था ताय के साथ रहना, उसका ख्याल रखना। अरे भाई बस कुछ ही मिनट के लिए इससे ध्यान हटाया था और ये इतने में पेड़ पर चढ़ गई। I hate सूजी का हलवा। ताय प्लीज नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी।
नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे फिर से तुम दोनों के साथ नहीं देखना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। किन दोनों के साथ नहीं देखना था? आई हेट सूजी का हलवा, वो मेरे कुकी से हमेशा चिपकती रहती है। जंगू, ये सूजी का हलवा कौन है? मुझे नहीं पता शुभा, तूने चाय को ड्रिंक कैसे करने दिया? अरे मैंने तो इसको बहुत रोका था पर ये रुकी ही नहीं। ताय बच्चा प्लीज नीचे आ जाओ, मेरी बात मान लो। कुकी मुझे घर जाना है। हाँ हाँ नीचे आओ, हम घर ही जाएंगे। पक्का हम घर जाएंगे? तुम उस सूजी के साथ तो नहीं जाओगे फिर? ओ तो ये सूजी को सूजी का हलवा बोल रही थी। हाँ बच्चा हम घर ही जाएंगे, आ जाओ मेरे पास। ओके। तुम बहुत गंदे हो कुकी, तुम मुझे छोड़कर उस सूजी के पास क्यों गंदे? तुम बस मेरे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो तुमसे चिपकती है तो तुम बस मेरे हो। हाँ बेबी मैं बस तुम्हारा ही हूँ। फिर जंगकुक ताय को वहाँ से लेकर जाता है। कुकी मैं बोझ क्यों? नहीं दायन सॉरी, तुम बोझ नहीं हो। कुकी तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा दिल नहीं करता मुझे हग करने का, मुझे किस करने का। तुम मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते हो। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो कुकी? तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकते हो क्या? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा, एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती मैं। तुम मुझसे बस थोड़ा सा प्यार कर लो, बस थोड़ा सा, मैं उसमें ही खुश रहूंगी कुकी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। सॉरी ताय, तुम्हें प्यार नहीं करने के लिए, तुम्हें टाइम नहीं देने के लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। पता नहीं मैं क्यों ऐसा हूँ, मुझे क्यों रियलाइज नहीं हुआ, मैंने वो सब गुस्से में बोला था, तुम्हारी फिक्र थी इसलिए। और मुझे एहसास भी नहीं हुआ मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया। क्यों मैं ऐसा? आई एम सॉरी बेबी। तुम्हारे साथ होकर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था ताय, आई एम रियली सॉरी। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा तुम्हें ताय। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं, आई प्रॉमिस ताय। मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं ताय, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा हमेशा। मेरे पास ही रहना कुकी। हाँ बेबी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जंगकुक नहीं, ये क्या कर रहा है तू? ताय नशे में है और वो सो रही है। सॉरी ताय। सुबह हो गई, मैं घर कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है?
ओ ताए उठ गई तुम, गुड मॉर्निंग। जंकुक रात कुछ हुआ था क्या? नहीं तो, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हम पार्टी में गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है जंकुक? कोई बात नहीं है ताए, ज्यादा मत सोचो। हम पार्टी में गए थे फिर हम घर वापस आ गए, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। बताओ ना क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ था, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि कुछ हुआ था? तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो जंकुक, मुझे सच बताओ क्या हुआ था। अच्छा ओके अभी बताता हूँ। हाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ ये हुआ था, ये करा था तुमने रात। हाँ क्या? यकीन नहीं होता तो ये देखो। हाँ नहीं मैं नहीं कर सकती ऐसा। क्या हुआ? तुम ही तो पूछ रही थी ना, अब पता चल गया। तो अब मुझे कॉलेज जाना है। माय इनोसेंट ताए, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है ताए, और वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जंकुक ताए को लेने कॉलेज जाता है। चलो ताए। कहाँ? थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हें, चलो। नहीं मुझे नहीं जाना। ताए चलो नाटक मत करो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ जंकुक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। फाइन। हाँ जंकुक छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो, छोड़ो मुझे। जंकुक तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो। अच्छा सच में बुरा हूँ मैं? जंकुक कहाँ लेकर आए हो मुझे? अभी पता चल जाएगा ताए, आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ, बस ऐसे ही चलती रहना। आखिर तुम करने के वाले हो? ताए सब्र रखो और ऐसे ही चलती रहो। पता नहीं क्या कर रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। ताए अब आंखें खोल सकती हो तुम। ये सब क्या है जंकुक? आज मैं तुमसे वो कहना चाहता हूँ ताए, जो मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था तुम्हें ये कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर मैं गलत था। कभी कभी बातें कहना भी जरूरी होता है। क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आओ मेरे साथ। हमेशा रहोगी मिली हूँ मेरी मी? बस करो जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? जो तुम कभी करना ही नहीं चाहते वो जिम्मेदारी निभाने के लिए क्यों कर रहे हो? नहीं ताए ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ताए इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ताए रुको मेरी बात सुनो। ताए जंकुक भी ताए के पीछे जाता है। ताए प्लीज मेरी बात सुनो। जंकुक प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ताए प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। जंकुक क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मुझे ऐसे प्रपोज क्यों कर रहे हो तुम? सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मत करो जंकुक, मैं पहले ही बहुत हर्ट हो चुकी हूँ, अब बख्श दो मुझे प्लीज। ताए क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है। इनफ जंकुक, अब अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए इतना बड़ा झूठ भी मत बोलो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तो बस तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ और तुम पर बोझ हूँ। I'm sorry ताए, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया उस दिन, पर मेरा यकीन करो मेरे ऐसे इंटेंशन नहीं थे, मुझे तुम्हारी फिकर थी, मैंने वो सब गुस्से में बोला। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुमसे एंगेजमेंट क्यों करता ताए? तुम मेरा नेचर जानती हो, मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, मुझे दिल की बातें बताना नहीं आती।
हाँ जंकुक, मुझे पता है तुम्हारा नेचर ऐसा ही है, तभी तो मैंने तुम्हारे बिना कहे यकीन कर लिया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे इतनी बड़ी गलत फहमी हो गई थी, पर उस दिन तुमने जो भी कहा उस दिन मेरी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई थी। तो जंकुक, अपनी जिम्मेदारी को प्यार का नाम मत दो। उस दिन मैं डर गया था, तुमने जो किया, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मैंने सोचा तुम आगे ऐसा ना करो, इसलिए मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया। तुम उस दिन भी रात में होटल से बिना बताए बाहर चली गई थी अकेली। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम पर गुस्सा किया, मेरे इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने के नहीं थे। तभी मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया, मुझे एहसास तक नहीं हुआ, पता नहीं क्यों हूँ मैं ऐसा। सॉरी दाई, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरा यकीन करो। जंकुक प्लीज रहने दो। नहीं दाई, आज मैं नहीं रुकूंगा, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, मैं इतने दिन से बस इसलिए चुप था, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता था। मेरी ये गलती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो। ताए, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या प्यार का इजहार करना इतना मुश्किल होता है जंगू, जो तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। हाँ ताए, मेरे लिए दिल की बातें मुश्किल ही होती है, पर आज मैं तुम्हें चीख चीख कर बताना चाहता हूँ। ताए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ताए, आई लव यू। मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी ताए, अब तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुझे माफ करो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ खुशी से रहो, जबरदस्ती नहीं। मैंने तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तुम्हें पहले ब्लैकमेल किया, पर अब नहीं करूंगा ताए, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं ये डिसीजन तुम करोगी ताए। अगर तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है तो तुम तोड़ सकती हो, और डोंट वरी, मैं हमारी कंपनीज की पार्टनरशिप भी नहीं तोड़ूंगा, और हमारे रिश्ता तोड़ने की भी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा हमारे पेरेंट्स के सामने। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हारा डिसीजन बता दिया था है। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकती हो, अपना ख्याल रखना था है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, आई लव यू सो मच था है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था है। और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, गुड बाय था है। जंकुक, तुम सच में बहुत बुरे हो, तुमने मेरा डिसीजन सुने बिना ही खुद ही तय कर लिया। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो ना, इसलिए तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मिस्टर जियोन जंकुक, मैं तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी झेलना है। ताए, सच में तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तुम मुझसे शादी करोगी? आई होप तुम्हें अब मेरे डिसीजन का पता चल गया होगा। आई लव यू ताए, आई लव यू टू कुकी। थैंक गॉड, फाइनली इन दोनों में सब ठीक हो गया, और जंकुक को उसकी फर्स्ट किस भी मिल गई, पता नहीं मुझे कब मिलेगी। अरे लो, अभी लो। मुझे कभी छोड़कर मत जाना ताए, कभी नहीं। लव यू टू।